वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है रूपा मैन, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला KTM Duke 390 एंड RC 390 के टायर्स के बारे में। आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं किया है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, तो आज मैं बताऊंगा इस चीज के ऊपर। एंड ऑलरेडी आप थंबनेल से गेस कर चुके किसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आखिरी तक वीडियो देखना, बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों KTM Duke 390 RC 390 में जो अब टायर आपको देखने को मिलता है वो MRF का देखने को मिलता है, ना कि मेटजिला का देखने को मिलता है। और ये चीज हुआ क्यों है, क्या कारण है, और ये चीज आपने नोटिस की है या नहीं की है मुझे जरूर बताना। क्योंकि अब जो भी गाड़ी आ रही है KTM 390 Duke या RC 390 दोनों में आपको पहले मेटजिला देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको सिर्फ MRF के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी KTM की जो दूसरी सीरीज है 125-200 सब में भी आपको MRF का ही टायर देखने को मिलता है। और ऐसा हुआ क्यों है, और इसमें प्राइस कटिंग भी नहीं हुई, इवन प्राइस अगर कटता भी मतलब कम होता बाइक का तो भी चलता, गाड़ी की प्राइस कम नहीं हुई है, और इवन मेटजिला टायर भी हटा दिया गया है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मेटजिला टायर जो होता है ना वो काफी स्टिकी होता है और काफी अच्छा टायर होता है, रोड के लिए काफी बेटर टायर होता है। हाँ उसकी लाइफ थोड़ी कम है, लेकिन वो गाड़ी काफी अच्छी ग्रिपिंग प्रोवाइड करता है, बिकॉज जिस पावर की ये गाड़ी है उसके लिए उस टाइप का टायर होना बहुत जरूरी है। नाउ कंपनी ने क्या कट डाउन किया है कि यहाँ पे आपको मेटजिलर के जगह आपको MRF रेव जी C1 टायर देखने को मिलता है, जो कि इसकी 125 सीसी की बाइक में भी देखने को मिलता है, 200 सीसी की बाइक में भी देखने को मिलता है, अब आपको RC 390 एंड Duke 390 में भी देखने को मिलता है, जो कि मुझे उतना सही नहीं लगा। इतनी महंगी बाइक दे रहे हो, एटलीस्ट आपको मेटजिलर देना चाहिए था। लेकिन अब इसके पीछे की जब कहानी मुझे थोड़ी पता चली, मैंने जाके शोरूम्स में पता किया, तो मुझे पता चला इनका जो टाइप था मेटजिला के साथ, वहां पे इनका टाइप खत्म हो चुका है। अब मेटजिला आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, मिल तो जाएगा इंडियन मार्केट में, लेकिन KTM अब आपको मेटजिला प्रोवाइड नहीं करती है KTM Duke 390 RC 390 में। दोनों की परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस वाइज मेटजिला का ज्यादा अच्छा है, लेकिन कंपनी ये क्लेम कर रही है कि MRF रेव जी C1 जो यूनिट है वो ज्यादा बेटर है। इनका जो टाइप खत्म हुआ क्यों है, क्योंकि जो अभी पैंडेमिक हुआ था, पैंडेमिक के समय इनका काफी ज्यादा लॉस हुआ था। पहली चीज तो क्योंकि गाड़ी बिक नहीं रही थी और कोई भी कंपनी गाड़ी बेची नहीं जा रही थी, तो यहाँ पे कंपनी काफी ज्यादा लॉस हुआ, और उस लॉस को इन्होंने एक टाइप से प्रॉफिटेबल में अगर कन्वर्ट करना है तो कुछ चीजें कम करना स्टार्ट किया। उसमें से पहली चीज तो आपको मेटजिला टायर ही देखने को मिलता है। यस, जो इनका मेटजिला टायर बाहर से आता था और ग्लोबली जहां सेल हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने इम्पोर्ट बंद कर दिया मेटजिला का। उसका सोल्यूशन इन लोगों ने निकाला है MRF का जो रेव जी C1 टायर है उसको यूटिलाइज करने का। तो अब आपको KTM में ये टायर देखने को मिलता है, और इसकी लाइफ ज्यादा है, लेकिन ग्रिपिंग उतनी अच्छी नहीं है। पर मेरे हिसाब से अगर देखेंगे, और या तो आप अपने हिसाब से भी देखेंगे, इतनी परफॉर्मेंस वाली बाइक है तो आप थोड़ा स्टिकी टायर लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसकी ग्रिपिंग काफी अच्छी होती है, इस टाइप की बाइक की कॉर्नरिंग करने के लिए बनी होती है, और इन सब में आपको ग्रिपिंग जरूरी होता है। ये कुछ कारण है जिस कारण से कंपनी ने अब मेटजिला के जरा MRF रेव जी C1 टायर यूज किया है। अगर आप जा रहे हैं शोरूम तो एक चीज ये नोटिस जरूर करना कि इसमें टायर कौन सा लगा हुआ है, और उनसे जरूर पूछना इस चीज के बारे में कि आप लोगों ने यहाँ पे मेटजिला हटा के MRF क्यों पुटअप किया, जबकि इतनी हाई परफॉर्मेंस बाइक है। स्टिकीनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप एक बार यूट्यूब में सर्च करके देखना मेटजिला और MRF रेव जी का कंपेरिजन देख लेना, तो आपको मेटजिला ज्यादा बेटर बोलते हैं, और उसकी प्राइसिंग भी ज्यादा है, MRF की प्राइसिंग कम है। अब पूरा ऑल कंक्लूजन देखा जाए कंपनी की तरफ से, अगर तुमने टायर नहीं भी दिया है तो एटलीस्ट इसकी प्राइस कम करनी चाहिए थी। कंपनी ने प्राइस कम नहीं की है, ऊपर से टायर लगा दिया MRF का और प्राइसिंग वही रखी है, तो ये थोड़ा मेरे को अनसेटिस्फाइड लगा KTM की तरफ से। अगर आप टायर चेंज कर रहे हैं या आप इंडियन मेड लगा रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा थोड़ा प्राइस कम करते तो शायद इनका जेब में थोड़ा हल्का पड़ता, या तो फिर कुछ पैसे बचा के ये दूसरे टायर ले पाते, अपडेट कर पाते, लेकिन आपने वो भी नहीं किया KTM ने, लेकिन ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, गाड़ी तो अब नई आ चुकी है, नई गाड़ी आपको देखने को मिलता है, नया ऑप्शन देखने को मिलता है। BS6 में तो अब कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है बिकॉज ऑफ दिवाली फेस्टिवल के कारण। अब आपको हर कंपनी में ये सारे चेंजेस आप देखने को मिलते हैं, इवन सुजुकी ने भी जस्ट जिक्सर में ही बहुत सारी पेंट स्कीम लॉन्च किए फेस्टिवल सीजन के लिए, सेम किया है KTM ने। एंड परफॉर्मेंस वाइज इस गाड़ियों में कोई भी चेंजेस नहीं। अगर Duke 390 की बात करूँ, RC 390 की बात करूँ, तो यहाँ पर 373.2 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 44 HP एंड 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करता है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन आता है, स्लीपर क्लच है, असिस्ट क्लच है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है। एंड सेल्स परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जब से लॉकडाउन हटा है KTM की सेल्स रेट 12% ग्रोथ हुई है,
कैन यू इमेजिन, इतना ग्रोथ होने के बावजूद भी इन्होंने मेटजिला नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने टाइप बंद कर दिया, इम्पोर्ट बंद कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट उस कंपैरिजन में अच्छे डनलॉप के टायर्स भी आते हैं, अच्छे अच्छे टायर्स आते हैं जो आप ले सकते हैं। क्यों कंपनी ने फिर एमआरएफ के साथ ही किया? मेड इन इंडिया, आई नो मेड इन इंडिया है, लेकिन एटलीस्ट ग्रिपिंग अच्छी वाले टायर्स तो दो, हाई परफॉर्मेंस बाइक से ये सब। मैं और क्या बोलूँ, इतना ही मुझे बोलना था कि अगर आप जा रहे हैं एटलीस्ट इसके टायर्स देखिए यार, इनसे पूछिए कि व्हाई यू रिमूव मेडजिला के जगह पे आपने एमआरएफ क्यों एडोंट किया। ग्रिपिंग सेम है, कहाँ लिखा है ग्रिपिंग सेम है, ग्रिपिंग क्योंकि काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, यही था कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको देना था, और ज़रूरी भी है क्योंकि इतना पैसा फेंक रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको टायर क्या मिला, क्योंकि अभी किसी ने बात नहीं की इस चीज़ के ऊपर कि इसमें टायर कैसे मिल रहा है और परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है। एंड मेरे हिसाब से ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आप बाइक ले रहे हैं तो थोड़ा प्राइस कम होना चाहिए इस चीज़ पे, लेकिन नहीं है। बस इतना ही था कुछ, अगर ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो और मेरा ऐसे चैनल पे जाके देख सकते हो, इस टाइप के वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए क्योंकि 150,000 तक हमें पहुँचना है और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, वहाँ पे सवाल पूछिए, जल्द से जल्द आपको जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड चाओ।